असलम स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट साइंस ऑफ क्लास फाइव दिस इज योर लेक्चर नंबर थ्री टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिव्यू एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स ओके कम ऑन द पेज नंबर एट क्वेश्चन नंबर वन री अरेंज एंड फिलिंग द ब्लैक्स विद करेक्ट वर्ड फ्राम द लेसन यहां पर हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनके स्पेलिंग्स आगे पीछे किए गए हैं पहले उनको री अरेंज करना है दैन उनको इन फिलिंग्स द ब्लैंक्स में इस्तेमाल करना है हमारे पास पहला आ जाता है ये अब री अरेंज करने हैं ब्लॉक्स नंबर टू पे आ जाता है बिलियंस नंबर थ्री पे आता है माइक्रोस्कोप नंबर फोर पे आता है पार्ट्स नंबर फाइव पे गार्ड नंबर सिक्स पे प्रोड्यूस नंबर सेवन पे लीव्स नंबर एट पे वैक्यूल नंबर नाइन पे सेल्स और नंबर टेन पे वॉल अब फिलिंग द ब्लैंक्स हम चेक करते हैं इन्हीं को इस्तेमाल करना है इन सब फिलिंग द ब्लैंक्स में यू विड यूज़ अ डैश टू सी सेल्स हमें पता है कि हम सेल को इस्तेमाल यूज देखने के लिए हमें सेल का साइज़ बहुत छोटा होता है हम उसको अपनी आइज से नहीं देख सकते डेली लाइफ में हम नेगेड आइज से नहीं देख सकते इसलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेल को देखने के लिए सो माइक्रोस्कोप इज द करेक्ट आंसर यहाँ उसको टिक कर देते हैं कि ये यूज हो चुका है अब इसका कोई काम नहीं है हमारे पास न्यू सेल्स आर डैश फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल अभी भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से बनती है पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनती हैं सो न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड

क्लोरोफिल इज फाउंड इन द लीव ऑफ प्लांट लीव्स में पाया जाता है फोटोसेंथिस के प्रोसेस के लिए तो हम लीव को पिक कर देते हैं हमारे पास लीव्स ये हैं हमारे पास ठीक है वैक्यूल इज जस्ट लाइक बिग सैक फिल्ड विद लिक्विड जब हमने वैक्यूल पढ़ा था हमने देखा था कि वो बिग सैक होता है जो लिक्विड से भरा हुआ होता है तो क्या होता है वैक्यूल इज जस्ट लाइक अ बिग सैक सैक फिल्ड विद अ लिक्विड वैक्यूल को भी हम टिक कर देते हैं सेल्स आर कॉल्ड द बिल्डिंग यूनिट के हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि सेल्स क्या हैं बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसी भी लाइफ के लाइफ के क्या होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो हमें पता चल गया कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ तो हम क्या करेंगे ब्लॉक्स को भी टिक कर देते हैं ऑल द ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स आर इन साइड इन साइड द सेल वॉल जितने भी सेल के ऑर्गेनज होते हैं वो सेल वॉल के अंदर मौजूद होते हैं साइटोप्लाजम के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं तैर रहे होते हैं तो हमें पता चला कि किसके अंदर होती हैं ऑर्गेना साइड द सेल वॉल सेल वॉल के अंदर होती है हमने वॉल को भी मार्क कर दिया अ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि एक ह्यूमन बॉडी या लिविंग थिंग बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है बिलियंस ट्रिलियंस बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनती है हमें पता चल गया कि बिलियंस ऑफ सेल्स था हम लोगों ने बिलियंस को भी मार्कआउट कर दिया बिकॉज ये यूज हो चुका है ऑल द लिविंग थिंग्स आर अप ऑफ स्मॉल कॉल्ड सेल्स स्मॉल बहुत छोटे होते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखते हैं इसलिए स्मॉल होते हैं तो किससे मिलकर बनते हैं हमारी सेल्स से बनकर बनते हैं आल्सो हैव डैश टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड जॉब्स सेल्स के भी आगे बहुत सारे पार्टस होते हैं जो बहुत सी जॉब्स को परफॉर्म करते हैं हमारी फिलिंग ब्लैक्स कम्प्लीट हो चुकी हैं मैच द वर्ड ऑन द लेफ्ट विद द स्टेटमेंट ऑन द राइट साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा था इट इज अ जेल लाइक सब्सटेंस एंड कंटेन ऑल द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल तो साइटोप्लाज्म हमारे पास इससे मैच हो जाता है सेल व्हाट इज सेल अ स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ हमने पढ़ा था कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेल किसी भी लाइफ का सेल वॉल सेल वॉल इन अ प्लांट सेल इट इज मेड अप ऑफ थिक एंड हार्ड मटीरियल कॉल्ड सेलोलो सेलोलो से मिलकर बनता है सेल वॉल हमारे पास न्यूक्लियस इट इज आल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल हमने पढ़ा था बैक साइड पे कि न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है किसी भी सेल का लास्ट हमारे पास बचता है डीज आर पार्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेल ऑर्गनल सेल्स के पार्ट्स होते हैं पार्ट सी है हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर वच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ हमने पढ़ा सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट ऑफ सेल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स हमने पीछे पढ़ाया कि जो भी पार्ट्स होते हैं सेल्स के उनको ऑर्गेनल्स बोला जाता है विच पार्ट ऑफ प्लांट कैन हेल्प इन फोटोसेंथिस क्लोरोफिल विच पार्ट ऑफ सेल एक्ट एज कंट्रोल सेंटर सेल वॉल कंट्रोल सेंटर करता है बिकॉज इन आउट मूवमेंट को कंट्रोल करता है वट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था माइक्रो मीन स्मॉल माइक्रो मीन स्मॉल डी पार्ट है राइट ट्रू इफ स्टेटमेंट इज राइट एंड इफ इट इज रॉन्ग राइट एफ अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो आप टी लिखेंगे अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो आप एफ लिखेंगे अ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल नो दिस इज फॉल्स आप यहाँ पर एफ लिख दें ठीक है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यूज मेक ऑर्गन बिल्कुल दिस इज ट्रू क्योंकि बहुत से सिमिलर टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गन बनाते हैं वी कैन नॉट सी सेल विदाउट अ माइक्रोस्कोप बिल्कुल ठीक है क्योंकि सेल साइज बहुत छोटा होता है जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं ऑर्गेनल्स आर पार्ट ऑफ एन ऑर्गन नो ऑर्गेनल्स आर द पार्ट ऑफ अ सेल ऑर्गेज का मतलब ऑर्गन होता है ये पार्ट नहीं होते ऑर्गन के सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल इन आउट मूवमेंट ऑफ द सेल इन कंट्रोल इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ द सेल नो सेल वॉल कंट्रोल करती है सेल मेम्ब्रेन नहीं साइटोप्लाज्म स्टोर फूड वाटर एंड न्यूट्रिएंट फॉर द सेल साइटोप्लाज्म नहीं स्टोर करता है वैक्यू स्टोर करता है एनिमल सेल में ये फॉल्स है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट इज अ डिस्क शेप ऑर्गेनल विच कंटेन क्लोरोफिल बिल्कुल ट्रू ये डिस्क शेप होती है और इसमें क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में ह्यूमन बींग आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिल्कुल दिस इज ट्रू बिकॉज हम जो ह्यूमन बींग है वो बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल येस दिस इज ट्रू यूनि सेलुलर वन सेल से मिलकर बनता है यूनी मीन वन यूनी मीन वन प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर सेम नो कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं एनिमल सेल्स में और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं एनिमल सेल्स में